का है? हम जाइब सामान उठाओ। रेडी। ओके, चल चला। मालकिन मालकिन, ये लोग पायल दीदी के ससुराल से आए बा लोग। हाँ, आओ बेटा, आओ बैठो, आओ। प्रणाम जी, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, बैठो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, हम राम भैया के सबसे छोट भाई हैं। हमारा नाम किशन है, झागर है, बुधना है। अच्छा, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, परीक्षा भी देते हैं और हर साल फर्स्ट आते हैं। पीछे से? और इस साल भी घिच घाच के फर्स्ट लाइए देंगे माँ जी। पढ़ाई का बहुत लोड है, दिमाग में दर्द हो गया है, लालटेन जला के पढ़ते भी है माँ जी। टाइम बिल्कुल नहीं है माँ जी, लेकिन माई बोली ना, ऐसा गुण का सामान छूट गया था तिलकवा के दिन, तो इसको पहुँचाओ। तो हम सोचे कि चलो भाई, टाइम निकाल के चलते हैं। और हम आए हैं लेकर, और इसी बहाने भौजी को थोड़ा देखियो लेंगे ना। ठीक है गोवर्धन जी। मालकिन, ये शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर रख दो संभाल के। ठीक बात। अरे, ये कचरा लेके कहाँ जा रहे हो? रखो यहाँ पे, दिखाओ क्या है इसमें। बहू, ये शगुन का सामान है, इसे अंदर ले जाकर देखो। इसमें देखना क्या है माँ जी, सड़ा हुआ मेकअप का सामान ही तो है, कोई खजाना थोड़ी ना है। चल रहा है। नाश्ता तो करके जाओ बेटा। माँ जी, अब राउंड नाश्ता वही दिन करब जही प्रात लेके आई। ऐसे कैसे जा रहे हो, अपनी भाभी से तो मिल लो। अब भाभी से वह दिन मिलब जही प्रात लेके आई, और ऐसे भी उकरा मुँह में कोनो खजाना नहीं खेला। ए चंदा के माई, का हाल जी? आई देखा, शादी के कार्ड आई बा। कहाँ से जी? सूरज भांजी के घर से। कितना सुंदर कार्ड बा, ये तो पायल दीदी के शादी के कार्ड है। पायल दीदी की शादी में कितना मजा आई ना बाबूजी, कब जाए बताई ना। कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जा के। कहे जी? काहे का? ओ गोविंद प्रसाद हमके फुटलो आकना सोहाला, ओकरा बेटा संगे अपना बेटी के ब्याह कराता हूँ। यही से हम ना जाए। वैसे रउआ के का करे के बा? अरे सूरज भान हमरा सगे बुआ के लयका हवन, और हमने सब ना जाइब तब बुरा मान जाइए। आपने मुझे बुलाया? हाँ, संध्या कह रही थी कि तुम किशन को जानती हो। हाँ दीदी, अच्छी तरीके से। तुम उसी के गांव में रहती हो? नहीं दीदी, वो हमारे पड़ोस के गांव में रहता है। अच्छा, कैसा लड़का है वो? एक नंबर का लफंगा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ताहो चंद, आज बड़ा खुश नजर आओ तरु, का बात बा? लागत कि आज तोहरे बियाह होता। खुश ना रही तका उदास रही। आए, इहा एगो तू ही हमके देखे वाला थोड़े बाड़ा, बहुत लोग बा देखे वाला। एगो चेहरा के कतना लोग के देखबू, घूम फिर के हमरे लगे आई। हमरा लगे मोहब्बत के गम नहीं खे, आ तू हमके संभारा इतरा में दम नहीं खे। ए तोहरा के का, अगर चाह दिना तो तोहरा साथे साथे सब जनी के रस निकाल दे। तहरा से तो मुहे लगावल बेकार। मुहे ना लगेबू तो मोहब्बत के लेमचूस कैसे बा? प्रभु बैठा। ए बुड्ढे, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता कचरे का डब्बा? देहाती गमार कहीं का, प्लेट उठा और रख इसमें। जी ना काका, प्लेट के हाथ मत लगाइया, हमनी के बराती है जा, केहू के बाप के नौकर ना। ए मिस्टर, तमीज से बात करो तुम, एक तो खाने का सहूर नहीं, ऊपर से बदतमीजी से बात करते हो। अच्छा, तो हमने के खाए के सहूर नहीं खे, दरअसल बात तो ये बाकी तोहरा लोग इनके खियावे के सहूर नहीं खे। एगो तब पे फैलो सिस्टम रख ले बड़ा लो, अगर इतने तमीज रहित ना तो पाट में बैठा के अपना हाथ से परोस के खियाता लो। बहू, ये क्या तमाशा हो रहा है? देखिए ना बाबूजी, एक तो जानवरों की तरह खा रहे हैं, ऊपर से कुछ कह दिया तो बोलते हैं कि परोस के खिलाओ। अच्छा, तो हमने के जानवर है जा। ए भाई लोग सुना लो, प्लेट नीचे रख दलो, अब तो हमनी के पात में बैठब जाई, परोस के खियाई है। ए किशनवा चुप, तोरा छोट बड़ के लिहाज नहीं करे, चुपचाप खाना खा और शांति से ब्याह होके दे। नहीं समझी जी, किशन ठीक बोल रहा है, बहू सबको परोस कर खाना खिलाएगी। मैं और परोस के
दूंगी, परोसेगी मेरी जूती। बहू, ए भाई लोग, आप तो ही परोसिया हमनी के बैठ के खाई जाई। पतल ठीक बानू रे? हाँ भैया। आ खाना ठीक बानू रे? हाँ भैया। आ खिया वाली ठीक बाड़ी नू? हाँ भैया। राह भैया बनानू लड़ाबू? लड़ाबू। ये खाना खिया होती है कि ईटा से कपार फोड़ती है रे? भगवान विष्णु मंगलम करना, जय जय मंगलम, पुंडरीका जय मंगलाय तनो। शादी ब्याह बहुत बढ़िया से हो गई। समधी जी, मेरी बेटी कभी गांव में रही नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीके मालूम नहीं है, जैसा कि अभी खाने को लेकर समस्या हो गई। मैं नहीं चाहता कि आपके यहाँ भी इस तरह की कोई समस्या हो। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुजाता को उसके साथ में दो चार दिनों के लिए भेज दूँ। समधी जी, हमारा घर में पायल के कौनो दिक्कत ना हुई, फिर भी रहुआ दो चार दिन खातिर अपना बहू के हमारा घर में भेजल चाहता नहीं, तो हमारा कौनो दिक्कत नहीं थे। घुसाओ तो सर नहीं घुसता, इतने छोटे से घर में तुम रहोगी कैसे? हम कौड़ी डालत आनी, तू दोनों जना में जे पहले कौड़ी निकाली उहे जीती, तो हो जाए डाला तहीला। एक मिनट भैया, एक बात जान लो कि अगर कौड़ी तू पहले निकाल लेला तो पूरा जीवन तुहार गुलामी भौजी करी है। अगर कहीं भौजी निकाल लेली ना तो पूरा जीवन तोहरा करे के परी गुलामी। 1 2 3 कदा फिरी। आप चिंता कैले के बात नहीं क्या भैया, आप तो पूरा जीवन तोहरा इशारा पर भौजी नची है। ये तो वक्त ही बताएगा देवर जी कि कौन किसके इशारे पे नाचता है। चलो भाभी। ए पायल, भैया हो गए घायल। प्रणाम। खुश रहो बाबूजी, जीवन में पहली बार पायल हम लोगों से दूर हुई है, घर एकदम सूना सूना लग रहा है। हम चाहते हैं कि पायल को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ जाने दीजिए, प्लीज। कौनो बात ना बबुआ, ले जा, अब तो आयल गई लगले रही। मैंने कहा था ना, ठीक है ठीक है। साफ सिस्टम ही करना कालिए बका हो। भाभी चलो। लागत है कि गांव भगे अटई है खाली छाती के बात ही तुर दरस। भाभी रिलैक्स, आप फिकर मत कीजिए, आपके इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी। खुश रहो। प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। खुश रहिए। आओ चलो। आइए आइए आइए। अरे क्यों हंस रहे हैं नंदो जी? कुछ नहीं, वो झगड़ू कह रहा है कि भाभी बहुत सुंदर लग रही है। लीजिए दामाद जी, अमरूद खाइए। जी नहीं, बस बहुत हो गया ये। बस नहीं, अभी तो शुरुआत है बहनोई जी। जब से आया हूँ तब से तो खा ही रहा हूँ। अरे खाएंगे नहीं नंदोई जी, तो खाते पीते घर के दामाद कैसे लगेंगे? अरे दामाद बाबू आओ बैठो। अरे तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है। नहीं बाबूजी, वो मामूली सी सर्दी खांसी। मामूली? अरे दवाई वाई ली कि नहीं? अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है हरीश, जाओ साहब के लिए दवाई लेकर आओ। नहीं रुको बाबूजी, आप चिंता ना करें, मैंने दवाई ले ली है। अरे चिंता कैसे नहीं करूं? देखो ये जो तुम रोज रोज ना गाँव से बाइक में फैक्ट्री तक आना जाना करते हो ना, धूल धक्कड़ खाते हो, उसी का नतीजा है ये। मेरी सलाह मानो, ये रोज रोज आना जाना बंद करो। तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो अपने घर में, और छुट्टियों में बीच बीच में अपने गांव चले जाना। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें घर जमाई बनाना चाहता हूँ? नहीं बाबूजी, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे बाबूजी से पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा भला चाहते होंगे ना तो भी यही सलाह देंगे।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ कह रही थी कि आज सुबह से तुमने कुछ खाना नहीं खाया है। तुमने बाबूजी से बात की? कौन सी बात? राम, पापा ने तुमसे कुछ कहा था। वो बात तो हम कल भी कर सकते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, अब भी जाके बात करो। कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ? मेरा कहने का मतलब है बाबूजी अभी सो रहे होंगे, वो बात तो हम कल कर लेंगे, आज तो हम बाबूजी। ए बाबूजी। हाँ? क्या बात है बेटा? ना ना कुछ ना रवसुती, हम कल बता दें। है ना, बैठ। अरे बैठ। हाँ, क्या बात बा, बोल। ओ बाबूजी, पायल के पिताजी कहत रहलन ह। ना ना कुछ ना, हम कल बता। साफ साफ बता क्या बात बा। ओ बाबूजी, हमरा खांसी हो गेल बेटे, तेरा समधी जी कहत रहलन कि इतना दूर से आवा जाए में तबियत बिगड़ जाई, तो तू शहर में रह जा, छुट्टी मिली ना तो घरे चल जाइह। तो तू का कहला? तो हम का कहती? हम कहनी ना कि बाबूजी से पूछ के बताएं। तो यही बात बा, ठीक बा, तो जा कल बात कही जाई। ठीक बा, ठीक बा, कल बात कर। जा। बाबूजी ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, मेरा मतलब है कुछ नहीं। पायल, 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 गोवर्धन, गोवर्धन चाय, 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 इतने सवेरे चाय, चाय, हमरे बनावे के पड़ी, लेकिन क्यों देख ली तो कचरा हो जाए भाई, लिया हो। चाय केकरा खाती भैया? अपना खाती रे। लेकिन तू तो चाय ना पिया तो लहा हो। कबो कबो पी लेवे नी, लिया हो तनी। भाई लोग, ई पहले रहले हैं हमर भाई, जब से आयल भी है भौजी तब से बन गेल बड़े दाई। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी है, किसने बनाई? मैंने बनाई। मैंने बनाई। बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, अब से तुम ही बनाना। सुनो ना, मेरी ना सैंडल टूट गई है, प्लीज जुड़वा दो। थैंक यू। का भैया, कहाँ बाजार जाता नहीं? जोरुआ में का है? जोरुआ में कुर्ता पजामा हो, सियावे जाता नहीं, फाट गेल बा। इतना छोटा कुर्ता फाट गेल, ऐसे छोटा हो गेल बा हो। एको काम करी हा, दर्दी से मत सिवई हना तो कर सुई टूट जाई, मोची से सिवा ली हा। भाई लोग, अब हमरा बुझा गेल कि हमर भाई सच में दाई हो गेल बा। माई हमनियो के खनवा ले आई। अरे ले नी ले। अरे दुल्हन कहां पड़ी हो, लौकत नहीं की? माई हम तो सोचले रहने की आज भौजी के हाथ का खाना खाए के मिली। अच्छा, नया नया दुल्हन आइल बिया, अब अही ओकरा के चुल्हाड़ी में घुसा दी। खा तू लोग, हम ओकरा के खाना खिया क्या होता नहीं। दुल्हन, आप किससे पूछ के अंदर आई? क्या आपको पता नहीं है कि किसी के भी कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? कहा करके आओ चाहिए दुल्हन? नॉक करके मतलब दरवाजा खटखटा के। माफ करा दुल्हन, रोज आवे जाए का आदत रहल, यही से ना बुझेल, आगे से दरवाजा खटखटा के आई। खाना रख दीजिए, खा लूंगी। Thank you.
बहू ये क्या बदतमीजी है और ये खाना कहाँ फेंक देलू? ये कोई खाना है? ऐसे खाना तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। भाऊजी हमने यहाँ खाना इंसान खाती बनेला। अगर तोहरा कुकुर वाला खाना पसंद बा ना तो काल से खाना कुकुरे वाला बनी का दिक्कत बा। किसान जवान संभाल के बात कर। देखा दुल्हन अन्न का अपमान ना कर जाला बिटिया। तोरा के खाना पसंद नहीं है तब काली से तोरा पसंद का खाना बना दे उल करब। कौनो जरूरत नहीं है अलग से खाना बनावे के। जेकरा के खाना पसंद नहीं है वो अपन खाना खुद बना ली। चाय बना तैबे ना करेला तो खाना कहाँ से बनी? देखो जुबान संभाल के बात करो। मैं इस घर में इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊँ। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तुहार कहे के मतलब का बा भौजी? माई हमने खातिर खाना बनावे ले ते का हमनी का नौकरानी हो गई? वो तुम्हारी क्या है ये तुम ही जानो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भौजी तोहरा के हमनी के बियाह के लिए बनी सा हमनी के भौजी कहले सा और ले बेटी कहला। और जब तक ले रिश्ता बा तब तक ले पूरा लेना देना बा। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू देखा चाहे मत देखा हमरा पर कोनो विशेष फर्क पड़े वाला नहीं के। लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ला। तू ये घर के बहू हो और बहू जैसन रहे के परी। ओ तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना है? सब सीखे के परी। केकरा से कैसन बात कर जाला और कैसन व्यवहार कर जाला। भौजी हम ये घर के मर्यादा के नहीं की भुलाई ना तो हाथ उठावे हमरो आवे ले। किसान ये सब का होता? राम अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया। देखा तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर वाले मुझसे कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। हे बिटिया बिटिया बात सुना। बात क्या के मत बढ़ावा। ऐसा छोट मोट बात था हर घर में होता रहला। ये छोटी मोटी बात है? सिर्फ थप्पड़ मारना ही तो रह गया था बाकी सब कुछ तो कर ही चुके थे आप लोग। देख किसान ते सच सच बताओ का कह ली सब अपने भौजाई के साथ? हमसे का पूछा था? इनका से पूछा? अरे एकरा से का पूछी? एकरा तो एक दिन में का बोली घर में आईला। और देख तोरा के हम अच्छा तरह से जानता नहीं तेही कुछ कह लोग बे। वाह भैया वाह एक दिन में तू भौजी के तरफदारी करे लगला। हमने के इतना दिन के प्यार पर भौजी के एक दिन के प्यार भारी पड़ गई। राम बिना जान ले सुन ले तोहार हिम्मत कैसे भइल अपन छोटो भाई के ऊपर हाथ उठावे के? ये काम तो तोहरा करे के चाहिए बाबूजी। ये इतना देर से अपना भौजाई के साथ बदतमीजी करता आज तू लोग बैठ के तमाशा देखा था रहा? अरे तमाशा के करा था ये छोड़। ये तमाशा कहे होता ये हम अच्छा से जानता नहीं। बेटा तोरा ये घर छोड़ के जाए के बाना तो जा बाकी जाए के बहाना मत खोजा। अरे कैसन बात करता नहीं राम के बाबूजी। अरे तू चुप कर। तोहार बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है। अपना दोनों देवर के बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है। ये हमार बेइज्जती कैले सिया तो भी हम चुप रहनी है। अरे बिना गलती के अपन छोट भाई के ऊपर हाथ उठा ले ये हम बर्दाश्त नहीं की कर सकत। बेटा तोरा रात के बात याद बानू कि तू हमरा से काब बोलला कि तोहार ससुर तोहरा के घर जमाई बनावल चाहता रहे तो हम तोहरा से का पूछनी? तू का जवाब देला तो तू कहला कि बाबूजी से पूछ के बताए। अरे हमरा के तो तब पता चल गई कि तोहार मन में खोट बा ना तो तोरा बाबूजी के आड़ के जरूरत ना पड़ी। अरे तू तो खुद सीधा जवाब दे सकत रहला पर ना ठीक बा तोहरा जाए के बा ना प्रेम से जा पर हमारे एक बात याद रखिया घर जमाई की हालत धोबी के कुत्ता से भी बदतर होला। अब तो इन्होंने तुम्हें कुत्ता भी कह दिया फिर भी तुम यहाँ खड़े हो न जाने कैसे मर्द हो। पायल 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 जब से आन भाईल घरे आइल मेहारी के बुझे लागल अखियां पे पुतरी। राम भाई मेहंदी मावर के छूटल नाही रंग हो घरे में पतोहिया मचावे लागल जंग हो। बेटा करे Yeah.
जन भुलैया ए भाई माई बाप के, जन भुलैया ए भाई माई बाप के। का रे जोगना, घर में सब ठीक बानू? ठीक बा। हैं, सुननी हाँ, नया पतो आइल बाड़ी, घर में सब ठीक बानू? का बात करता रहो, काहे ना ठीक रही? अरे हमार पतो तो लाखों में एक भी है, लाखों में। अरे ना ना, हमरा गांव में एक आदमी करोड़ों में पतो ले आइल बाड़े। मर्सिडीज में सर दे आइल और स्कूटर में फर दे चल गईल। अरे केकरा के सुनाता रे? अरे सुनाबे के का बारे झंटा? समझदार खातिर इशारा काफी होला। कार जोगना, हम ठीक कहतनी ना? अरे चुप रह बकरा। अब देख, लइकन के कमाई खातिर बाहर जाके पड़ी की ना, अब एकर मतलब ही तना होला कि लइका अपना माई बाप के भुला जाइए सन। अब घटिया आदमी के घटिया सोच का रे जोगना? अरे जादा भोई भोई करे आइल बाड़ा तो भोई भोई करा। अरे हमार माथा काहे खराब कइले बाड़ा? अरे हम तोरा के बाद में देख ले रे। अरे तू हमरा का देख रे? हम तो एजा रे जो ए जी देखो ना, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? राम है? आप ऐसे क्यों खड़े हैं? सोहन के बारे में सोच रहा था, उसका कॉलेज का फीस, हॉस्टल का फीस सब मैं ही जमा करता था ना। सोहन फाइनल ईयर में है, आज उसके एग्जाम के फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। सोहन तो हॉस्टल में रहता है, पता नहीं ये बात बाबूजी को याद भी होगी कि नहीं। छोड़िए ना, वो हमारे बारे में कहाँ सोच रहे हैं, जो आप उनके बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैं साड़ी में कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल उस मेनका की तरह जिसने विश्वामित्र का सत्यानाश कर दिया। सही बात है। सोहन तुम चलो, मैं आता हूं। ओके। का बात बा भैया? हाईला तार कॉलेज के फीस रह दे भैया, एक जरूरत नहीं खे। काहे फीस ना भरबा तो परीक्षा कैसे देबा? तो का भेल भैया, ज्यादा से ज्यादा एक साल खराब होई ना, ओके तो तुहार पैसा के हाथ लगावल हमरा खातिर पाप होई भैया। वाह बेटा वाह, ओकर पैसा लौटा के आज तक हमार मान रख ले ले। अरे हमार तक छाती जुड़ा गिल रे। ला हमरा जेते तोरा फिकर करे के कोनो जरूरत नहीं खे, ठीक बा? बाबूजी करम फूटा सत्यानाश हो तोर। तू अरा मुझौसा मुझे रहो ना, तेरा आँखिया में कच्चा फूट गेल बा कारे? हाँ लौकत नहीं खे। हमारा तो लौका था, हमारा गुलिया का थोड़ी लौका था ना, तो ककरी कट के निकल ना जाए। गुलिया के जैसन तू अनहर हो गेल बाड़ा। कहा समहु अनहर आती तो गुलिया के जैसन तोरा में सट जाती। सटे के इतना शौक बा ना, तो हमरा घर पे हमरा बाबूजी से हमार हाथ मांग के दिखावा, तब जाने कि कितना बड़का हीरो बाड़ा। तोरा घरे आब तोहर हाथ मांगब तोहरा बाबूजी से, और अकेले नहीं आएंगे हम, अब पूरा बराती के साथ है आएब। अरे जरे ढोंगी जा। एक काल बारह बजे। अरे हाँ ले जो। अरे अब ठीक बानू। प्रभु मांगे आल बनी? क्या मांगे आल वाले? पहले ही बताओ जो मांगे तो दे देबो। अरे पहले तू ये बताओ कि क्या मांगे आल वाले रे? अगर बता देब ना तो तोरा बुखार लग जाए, तार फड़ा के ही गिर जाए। बताए क्या बात? बता ना तब भाग यहाँ से।
मांगी देवो सही में। पहले ही बताना कहाँ मंगल बने रे? हम तो चंदा मांगे आए थे। चंदा मांगे हट। अरे तो इतना हिम्मत ते हमरा से हमार बेटी के मांगे आए बने? अरे ना मर दे। हम तो दुर्गा पूजा के चंदा मांगे आए बने। दुर्गा पूजा के चंदा मांगे आए? अभी दुर्गा पूजा कहाँ बारे? तो दे दे हमनी के मना ले संग। अरे तू भाग जाता हम कोनो चंदा ना दे। हम तो चंदा लेके रहा हम लेके रहा हम लेके रहा हम लेके रहा हम लेके रहा भाग गईल ताई काम देखता रहे चल भीतरी अरे रुका देता नहीं फ्री में पान खा प्रभु प्रभु अरे यार हमरा तो विश्वास ही नहीं के होत आज पहली बार चंदा हमरा के देख के हसल बड़ी पगलाइल बड़े कार है अरे तोरा के ना हमरा के देख के हसल बिया तोरा के तक कुतियो ना देखी हास्य के बात करता अरे यार आ चंदा हमरा के देख हसली कहां जाई रे का करी रे ए हो जाना ना ए दीवाना से फंस गइलू हमरो ऐसने लागता ए हो जाना ना ए दीवाना से फंस गइलू ऐसन तू हंस गइलू दिलारे में धंस गइलू ऐसन तू हंस गइलू दिलारे में धंस गइलू आई सब तू हाँ सब आई दूधी लावे में था सब
भाई। अरे सुनो तारू हो काजी। अरे किशनवा अपना रिजल्ट के बारे में कुछ बताओ ना इसका। ना हमरा के तो कुछ नहीं के बतौले, हो सकेला ओकर रिजल्ट ना निकल होके। वाह ओकर साथ दोस्त मिठाई बांटता रसन कहां बा किशनवा। का रे तोहार रिजल्ट निकल गई? हाँ निकाल गई। का भइल का होई? फेरू फेल हो गए नी। अब देखे तारू फेल हो गई और फोपिया खाता त का कर यहाँ फेल हो गई तो खैला पीला मरी का पूछला तो बता देनी। हाँ को हमारे हमार लठिया ए किशनवा चुपचाप हमार लठिया दे दे रे। आज बताओ तनी तोरा के हमनी के फेल भेले के रिकॉर्ड तो बनिए गेल हो जा किशनवा। बार बार फेल होला तब तोरा शर्म ना आवेला। अब तोर पढ़ाई लिखाई छोड़ा के तोरा से खेते जुतवाई। जाओ जब कह रहा है कि खेत में काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा ले भौजी देखिए हमको घर में ले जाके खूब मारिए ना लेकिन के सामने मत मारिए। अरे करिए के देखे के चक्कर में तब फेल हो जाने रे। हम कह रहे हैं कि महिलाओं के सामने मत मारिए हमारा भी प्रतिष्ठा है। अरे बाहर है तो प्रतिष्ठा बाबूजी बाबूजी हम पास हो गए नहीं बाबूजी पूरा कॉलेज में फर्स्ट आयल बनी बाबूजी। वाह देख ये फर्स्ट आयल बा आते फेल हो जा रहे तो कहे नहीं फेल होंगे हम। हमारे ऊपर सब लड़की समाज का लोड है इनका ऊपर कल्ची का लोड है। बारे बहुत तू मुख्यमंत्री के इलेक्शन लड़ता रहे ना रे। ए चुप ए ये तो नालायक बा बेटा पर तू तू हमार नाच बाड़ा। अरे राम के माई अरे कहाँ बाड़ू। अरे राम के माई सोहन के रिजल्ट निकल गई और ये पूरा कॉलेज में फर्स्ट आयल बा। हाँ बेटा। हाँ माई। अच्छा अब देखिए सोहब हम एक गांव में अब बड़ा दुकान खोलब। हाँ और वो दुकान में हमारा बेटा के नाम यह बड़ा बड़ा अक्षर में लिखल हुई डॉक्टर सोहन प्रसाद MBBS। ना बाबूजी वैसे कोनो फायदा नहीं खे। का रे कहा बाबूजी आजकल हर गांव में चार चार गो दुकान हमार मतलब क्लिनिक खुल गए बाबूजी और कॉम्पिटिशन के कारण कोनो नहीं खे चलत। तो सरकारी अस्पताल में नौकरी करबे करे। ना बाबूजी ओकरो कहां चांस बा खाली MBBS के डिग्री होके तो अच्छा नौकरी भी ना मिलेला। अरे तत सरकारी नौकरी भी ना करबे प्राइवेट नौकरी भी ना करबे तो ते ही बता कि तोरी दादा का बारे। हम विदेश जाए बाबूजी लंदन। कोनो जरूरत नहीं की तू कहां इतना दूर लंदन जीबा। ई कोने जमाने के बात करत अरु माई हम अबे हवाई जहाज में बैठब तो 12 घंटा में लंदन। हमरा बात के समझा बाबूजी हर MBBS पढ़े वाला के एगो सपना होला कि ओकरा डिग्री के आगे एक विदेशी डिग्री लग जाए। वो बहुत भाग्यशाली होला बाबूजी जेकरा के मौका मिलेला और हमरा के ते मौका मिला था तो तू लोग काहे हमार सपना तुड़ल चाहता रहा। तो हमनी के तो हा सपना तोड़े के चाहता नहीं जा तो ठीक बा हम तोहरा के भेजब लंदन। अरे कैसन बात करता नहीं जी इतना दूर भेजब अपना बेटा के। एक तो पहले ही एकरा पढ़ाई में इतना खर्चा हो गेल बा अब वहां के खर्चा कहां से लेब रहुआ। तू चिंता मत कर राम के भाई पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा बा हम सब निकाल ले। अरे जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर भी बेच देब पर एकरा के लंदन भेज के रहब। ई ले पूरा 2,00,000 रुपये हम ट्रैक्टर ले जाता नहीं। हेला रोटी बेटा रास्ता में खाली है। तू काहे रोता रुमाई हम कोनो हमेशा कहते थोड़े जाता नहीं बस पढ़ाई पूरा करके वापस आ जाए। बेटा हम वहां का कैसन कैसन कहानी सुन ले बानी। देख बेटा वहां शराब के हाथ भी मत लगे है। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई तले हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम हाथ भी ना लगाए। एक और कसम को वहां कोनो मेम साहब से कुजात में बियाह ना करबे। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में बियाह ना करब। This is the room.
300 पाउंड पर मंथ देना पड़ेगा। 300 पाउंड यानी कि 21,000 रुपए। अबे ये इंडिया नहीं है, रुपए में मत गिन, और इससे सस्ता तुमको कहीं मिलेगा भी नहीं। 4 महीने का किराया एडवांस देना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा? 4 महीने? जल्दी बोल लड़के, रूम पसंद है कि नहीं? मेरी किट्टी पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है। ओके ओके आंटी, इट्स ओके। और सुनो, खाना कमरे में नहीं बनाना, मैं तुम इंडियन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, बेडरूम को भी किचन बना देते। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, नो आउटसाइडर्स एंड नो लेट कमिंग। और हाँ, घर के टेलीफोन को तुम हाथ भी नहीं लगाना, समझा? बॉबी, ये लड़का कोई लफड़ा तो नहीं करेगा ना? अरे आंटी, आप बेकार का टेंशन ले रही हो। अबे क्या कर रहा है तू? कर क्या रहा है तू? चल चल। व्हाट सोनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है घर के अंदर स्केटिंग मत किया कर। ओह मामा प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। यार इससे सस्ता तुमको कहीं नहीं मिलेगा, और तेरा कॉलेज भी तो पास में है, इतना टेंशन क्यों लेता है यार? मिसेज लीना की बेटी है यार, क्या चीज है, तेरी तो ऐश है। शट अप यार। ए बाबूजी, ए बाबूजी भाई, माई। अरे कहे इतना चिल्लाता रे रे? का भाई? हाय देखा, सोहन भैया के पार्सल आइल बा। पार्सल? अरे तो देखल का बाड़े, खोल जल्दी खोल। खोला ताने ना। खोला ता। अरे एमे तो चिट्ठियो बा। पढ़ पढ़ ना बेटा, पढ़ का लिखल बा। पूजनीय बाबूजी प्रणाम। हाँ। माई के चरण झुके प्रणाम। खुश रह, खुश रह। सोहन भैया। ओह खुश रह। और ये किशन के प्यार। बाबूजी के मालूम कि हम यहाँ बढ़िया से सेटल हो गई बानी, पेइंग गेस्ट में कमरा भी मिल गई बा। बाबूजी तोरा खातिर एगो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक से पढ़ रहे? कहत नहीं है जी, काहे मारा तारा दिमाग बढ़ के होला जी। इम्पोर्टेंट बंडी भेजा तनी। अरे आगे पढ़ना। और माई खाती चप्पल भेजा तनी। माई। अरे राम के भाई, तनिक पहन के दिखावा। अब गंदा हो जाए, हमार बेटा भेज ले। ए माई। अरे ते काहे रुक गई रे, आगे पढ़। बाबूजी प्रणाम। माई प्रणाम। अरे फिर वही जैसे पढ़ता रे। अरे आगे पढ़ो। हाँ। और किशन के नया नया कपड़ा पहने के बहुत शौक। अरे अरे यही से कहा था कि ठीक से पढ़ाई लिखाई कल कर, ठीक से पढ़। शौक है ना, शौक शौक भाई। यही से ओकरा खातिर नया शर्ट और टोपी भेजा था नहीं। पहले पढ़, आगे पढ़। बाकी सब ठीक बा, हम एकदम कुशल से बानी। हमार पढ़ाई खत्म हो जाई तो हम तोहरा लगे चलब। अच्छा। तोहरा आज्ञाकारी बेटा सोहन। अरे कहाँ जाता रे? जाता नहीं मेला। अरे मेला बाद में जाई है, पहले ये चिट्ठी दोबारा पढ़। एक एक चिट्ठिया कई बेर पढ़ी, कई बेर मेला जाए के बा, इम्पोर्टेंट काम बा। बहुत बदमाश लड़का है। ए चंदा। हाँ? सलमान के फोटो लेला। अरे हट, हमके तो अजय देवगन पसंद बा। भैया एगो अजय देवगन के फोटो दाता। ई चंदा, एगो हमरो फोटो लेला, का हम अजय देवगन से कम थोड़ी बनी? ई ला, आ गईले जोकर जैसे कपड़ा पहन के, अपना आप के अजय देवगन समझत आड़े। अरे एक बार आज माँ के ता देखा, अजय देवगन के बुला जेबू। छोड़ हमारा हाथ। एक बार धैले हमारा हाथ छोड़। पहली बार धैले बनी, धैले रह। चुपचाप छोड़ दे। ए चंदा, बहुत हंसी मजाक हो गई। अब हम तोरा से बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात करेल बानी। हम भगवान के साक्षी मान के कहत नहीं कि हम तोरा से बेइंतहा मोहब्बत करीले। उठ, हमहू तोरा से एगो सच सच बात कर देता नहीं। हंसी मजाक जब ले रहे तब ले ठीक रहे, ओकरा से आगे बढ़े की कोशिश मत करो। जाने तारा हमार पसंद का बा? हमार पसंद बा मोटर गाड़ी में घूमे वाला, अंग्रेजी बोले वाला जीवन साथी, अते ते बाड़े देहाती गवार लेगा। हमार सपना देखल छोड़ दा, तो हार हमार मिलन कबो नहीं के हो सकत।
भरत के पास मुह में हुए धनिया न भरत के पास मुह में हुए धनिया अरे शीशानी हन दिल हमर तुरलुए धनिया शीशानी हन दिल हमर तुरलुए धनिया न भरत के पास मुह में हुए धनिया अरे शीशानी हन हमारा तुरलुए धनिया सीसानी अन दिल हमारा तुरलुए धनिया दिलावा बेचारा के खेला तारू ऐसे काहे अखिया उलट के कुकुर बनवलु भैनी घर के ना घाट के हीरा लेखा मुह धई के तुरलुए धनिया हीरा लेखा मुह धई के तुरलुए धनिया शीशानी अन दिल हमर तुरलुए धनिया सीतानी अला दिला हमारा तुलालू है धनिया पूछनी की तोहा के बियाही के ले आई हर साल लई लैका जन माई सपना के तूर दिहलु अलु ननिया निमक मिर्चा डाल के छिवक दिहलु जियारा भुलाना पे नग्न लेखा घुरलु धनिया भुलाना पे नग्न लेखा घुरलु बकारे अरे चंदा तू तो अंग्रेजी के किताब बन गेल बाड़ू निमंत लागेला लेके बुझाला ना का हो बनवारी भाई आज तो कमाल हो गई यार चंदा के सहेली आ गल बाड़ी सन बाकिर किसन के अता पता नहीं के तोनी के पता ना का का अरे काल मेला में चंदा जवन बेस्ती कैला किसनवा के अरे रे रे ओकरे बाद कहीं पड़ल होई गम में रम लड़ावत अच्छा अब एक बात बता बस चंदा से के कर यारी किसनवा के कि बनवारी बनवारी हल्ला ए बनवारी भाई आ गईले हमनी के किसन कन्हैया का हो भैया दुनिया में एक से एक बेशरम देखनी भाई लेकिन एक किसनवा जितना बेशरम आदमी आज तक ना देखनी हम अरे काल मेला में चंदा इतना घनघोर बेस्ती कैला से कर फिर भी ना सुधरल भाग भाग चौनार
प्यार मोहब्बत में का इज्जत और का बेइज्जती रे? सब जायज बा, उम्मीद पर पूरा दुनिया कायम बा बेटा। हाँ चंदा, हाउ डू डू डू, कैसन बाड़ू यू? कॉलेज गोइंग? फाइन बाड़ू नू? परभु हाय। ओ हाय। Have it? No thanks. What do you mean thanks? It's just a beer. तो क्या हुआ सोनी? मैंने अपनी माँ से प्रॉमिस किया है कि शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सोहन, तुम हर बात के बीच में अपने माँ बाप को क्यों ले आते हो? तुम नहीं समझोगी सोनी, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जितना कुछ किया है उस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। Tell me something, सोहन, तुम अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी करने के बाद में मेरे साथ रहना पसंद करोगे या अपने गाँव चले जाओगे? Of course, अपने गाँव चला जाऊंगा सोनी। What? मुझे छोड़कर? देखो सोनी, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेंगी, और शादी से पहले माँ बाप की परमिशन भी तो जरूरी होगी, फिर तुम भी चलोगी, हम दोनों वहाँ शादी कर लेंगे। ओह कम ऑन नाउ सोहन, मैं तुम्हारे साथ उस सड़ियल से गांव में नहीं रह सकती। तो तुम्हें क्या लगता है सोनी, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा? या व्हाई नॉट। देखो सोनी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गाँव चलना होगा, उसी सड़ियल गाँव में जहाँ मैं पैदा हुआ था। ओके, आई नो ऑल दीज इंडियंस, नैन मटक्का करना हो तो इन्हें गोरी मैम चाहिए, और शादी की बात करो तो मैं अपनी माँ से पूछूंगा। अब रो क्यों रही हो? जब मैंने मना किया था तो कह रही थी मम्मा वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यही रहेगा, नौकरी करेगा और हमारे खर्चे उठाएगा। प्लीज मम्मा कुछ करो, कैसे भी करके प्लीज सौ को रोक लो प्लीज। अब तो उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, किसी भी तरह उसके माँ बाप के प्यार का भूत उसके दिलो दिमाग से उतर जाए। कारे जुखना, तोरा के नेवता मिलल के ना? कैसन नेवता? अरे छठियार के नेवता। केकर छठियार? अरे सूरज भांजी के नाती भइल बा। सूरज भांजी के नाती? हाँ, राम के लइका भइल बा। का हो इतना देर से तू हमरा बगल में बैठल बाड़ा, अब बतेबो ना कहिला कि तोहरा पोता भइल बा? इनका मालूम हो तब ना बताइए। अरे सूरज भांजी ऐसे ही बड़का आदमी नइखन हो गइल। अरे वो आदमी के चीने ले के बुलावे के लायक बा और के ना। ई देखा हमरा के नेवता भेज ले बाड़े। अरे तू देखा आंख फाड़ फाड़ के। अरे कलहे का तारीख बा, कैसा नालायक बेटा बा, अपना बापो के ना पूछलस। कहो रुका। अरे जाए दे पोता भइल बा, अब पूरा गांव में मिठाई बाटी है। अरे इनका बहुत काम बा। हे का बात है जी, बड़ा परेशान बानी? बड़ा परेशान बानी? अरे तू दादी बन गेलू, राम के बेटा भइल बा। अरे तो एमे इतना खुशी है के कौन बात बा, ये तो खुशी के बात बा जी। खुशी के बात बा तो जा ना, जाके गांव भर में मिठाई बांटा। अरे कल छठियार बा और हमरा के खबर नहीं है, हमरा के दूसर लोग से पता चलल बा। कौन बात ना जी, चल चल जाए, पोता का मुंह देखे फिर चलावल जाए। बा इतना बेइज्जती कम बा, जो उजा जाके अपन नाक कटाइबो। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने मामा पे गया है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे जैसा दिखता है, ये तो बिल्कुल अपने नानी जैसा है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है, इसकी नाक देखो बिल्कुल नाना जी जैसी है। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, ना ये नाना पे गया है और ना ही अपने नानी पे, ये दादा पे गया है, सर से लेके पैर तक पूरा का पूरा अपने दादा पे गया है। पायल को देखो, शादी के एक साल के अंदर बच्चा हो गया।
सुजाता को देखो, 4 साल हो गए शादी को, अभी तक बांझ की बांझ है। लिपस्टिक लगा के मटक मटक के चलने से कुछ नहीं होता। और राम को देखो, पहले इनकी फैक्ट्री में नौकर था, अब घर जमाई हो गया है, उसका एक बच्चा भी है जो आगे चलकर इनके खानदान का वारिस होगा, और सुजाता की हालत होगी कुत्तों जैसी। अरे चंदा, अच्छा भल के तुम मिल गेलू, तोहरा के एगो बात बतावे के बा। का बात बतावे के बा? बतावा। ए साल अपना कॉलेज में इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होता ना, ओमे तोहर किशन भी भाग लेता रे। किशन? अरे वो तो अपना गाँव के सड़ियल से कॉलेज में पढ़े ले। तो का भइल, वो अपना कॉलेज से जाता रे। अरे हट, वहाँ तो बड़का बड़का कॉलेज से बढ़ के एक डांसर आवता, अब किशन के तो बैंडे बच जाए। उनका कॉलेज के स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से भी घटिया बा। क्या कहलू हा? कि हमारा कॉलेज के स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के स्टैंडर्ड से भी घटिया बा। तेको बात जान लो, ई कंपटीशन हम जीत के दिखाई अपने बलबूता पा, और अपने दल बल के साथ अगर ना जीतनी तो हमार नाम किशन ना। अंडरस्टैंड? नया बेला के नया सिंह, चल रे बेला डींगे डींग। अब आपके सामने आ रहे हैं आज के आखिरी कॉम्पिटिटर, राजकीय महाविद्यालय हथुआ के छात्र मिस्टर किशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, आज के डांस कंपटीशन के विजेता हैं हथुआ के राजकीय महाविद्यालय के छात्र मिस्टर किशन और उनके साथी। गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो तो हर जोर। राम राम बनवारी। राम राम भैया। बनवारी भाई को बात बताई। हाँ बताओ बताओ बताओ। सुनो बो। हाँ सुनो बोल। पक्का? अरे पक्का रे। एकदम। अरे बोलते कान बोल। अरे कल है कॉलेज के स्टेज पर किशनवा एकदम गर्दा उड़ा। एक मिनट का कहले किशनवा? गर्दा उड़ा दिलस। मतलब? अरे ऐसा डांस कैलस ना कि कॉलेज के जितना लड़की रही सन ओकरा पर फिदा फिदा एकदम फिदा एकदम कबत करता है। अरे ना ना ना। और जो चंदा एक मिनट चंदा का अरे ना सुन पाई ना सुन ले अरे माय के गिरिया सुन ले तो और गिरिया है भाई। बोल अच्छा चल बता दे इके बर्दाश्त हो ही बता दे। अच्छा सुन ली। चंदा जो रहे ना एकदम एक टक जे देखत रहे के किशन के। हम ना मान सकीले गलत बात माय क्रिया बोलत है। माय क्रिया एक टक जे देखत रहे से देखते रह गए। केकरा के? किशन के। लट्टू हो गए लट्टू। झूठ बोला था ये, तू झूठ बोला था। एक बात बताओ सर, अगर चंदा किशनवा पे लट्टू हो गए रहत तो किशनवा पहले ही से यहाँ रहत ना ओकरा के लाइन मारेगा। बोला क्या बात करता रहा मर्दवा। अब उनका लाइन मारे के का जरूरत बा यार? कहे अब तो दोनों के डायरेक्ट कनेक्शन हो गई होई। ए बनवारी भाई कुछ लौकत है का? अरे आज किशन पर नजर ना पड़ल तो चंदा के चेहरा के रंग उड़ल बा। देख एकदम छटपटा तरी। बहुत तड़पावे बड़ू चंदा हमके, अब तड़पावे के बारी हमार बा। अरे बड़ा उम्मीद रहे चुलबुल भैया कि चंदा हमार होई। पूरा गांव में चुलबुल भैया पूरा गांव में भौकाल मचा देल रानी कि हम चंदा से ब्याह करब, लेकिन ससुरा किशनवा अरे बिचवा में आके सारा मामला में पानी फेर डाला सो। अरे यार बनवारी, तू दारू पियला के बाद ना एकदम औरत नियन रोए लागे ले। और सुन,
एक बार हमसे कह के देख। हम उठवा ले चंदा के। भैया यही खातिर तो तोल लोगन के इतना खियावत पियावत बाली हो। खियावत पियावत बाड़ा हैं? खा खियावत पियावत बाड़ा हैं? हाय हाय देसी दारू हाय भुजा। अरे यार हम तो हर इतना बड़ा काम करे वाला बनी। अरे कादगो मुर्गा कटवावा। भैया इतना रात के मुर्गा कहाँ मिली? अरे पैसा निकालो ये मुर्गा का, हम तो आदमी कटवा दे। हमार नाम चुलबुल पांडे, जनता बाली हम। निकाला पैसा निकाला। अच्छा रुका ला 100 रुपया। सौ रुपया में का हो यार? एक आध 1000 रुपया दा। भैया पैसा नहीं खे, पैसा खत्म नहीं खे ना। पक्का? पक्का ना भैया। अरे अरे धंधा का पैसा, अरे कंथा चूड़ा का पैसा महाराज। अरे छोड़ दो, अरे 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 कत्था चूना का पैसा, दुकान का धंधा का पैसा महाराज। हाँ अले धर असुन। हाँ भैया। दुगो मुर्गा कटवा ली है और एक फुल बोतल अंग्रेजी दारू। ठीक बाबू, जो लेके आओ। चुलबुल भैया लगा तो तू हमार पान का दुकान बिकवा के रहा बाबा। अरे रहे दा बनवारी। अरे पान के दुकान तो सिर्फ दिखावा बा, तुहार असली धंधा तुहार असली कमाई तो प्याज पे पैसा चलावल बा। ए तो भेजे बड़े जो ज्यादा नहीं भैया ज्यादा। ए सुन, ए सुन। हाँ भैया। एक पैकेट सिगरेट ले ले ये पैसा बची तो। सिगरेट? हाँ। अरे यार पगलाइन बड़ा कहा पान बिड़े सिगरेट चाहत रहे तो हमारा से कल होता, दुकानिया से ले ले आती, झूठा ही में पैसा मार। अब बनवारी भाई सिगरेट के बारे में छोड़ और चंदा के बारे में सोच। ए बनवारी देख 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 तोर चंदा आ गई। ए चुलबुल भाई हमारा तो डर लगा भाई। अरे ऐसे डर में तो कैसे हुई? अब चंदा का सोची हमारा बारे में, सारा रेपुटेशन खराब हो जाए हमार, हम तो दारू पी के बोल देनी और तू लोग सही में उठा लिया ना। देखा वो क्यों वापस भेज दा। अरे चुप, ज्यादा नाटक ना कर बनवारी। अरे ये कुल चंदा के इतना मेहनत से उठा के ले बड़ा सन, अब तू हमनी के दोस्त देता रे। दोस्त में के देता नहीं हम तो। अरे ले आवा ले आवा। हमरा के माफ कर दो चंदा, हमरा के माफ कर दो चंदा, तोरा प्यार के चक्कर में बहुत बड़ गलती हो गई हमरा से। अरे वारे बनवारी, लड़की उठावे खातिर तो बहुत फुसकत रहले हा, अब का भइल? अरे कहां घुस गेल तोर मर्दानगी? अरे जा जाके चूड़ी पहन ले चंदा। ए चंदा का हम तोरा से हाथ जोड़ के माफी मांगनी अते हमरा के थप्पा मार देले, आज तो रू हाल करब ना कि केहू के मुंह दिखावे लायक ना रहबे। हां हां और तो बताई हम बनवारी का हमरा के बोल के रो रो काट। आज बताई सामने से हमारा दिमाग बहुत खराब आज।
लड़की के पावे खाती देवे के परला जान तोहरा बस के नहीं खे बेटा जो बेच पान। चुप कर, ये ऐसे ना मानी। ए मारा कराके, मारा कराके, मार चाप चरांग का पाली। सुपर कारे मऊगा हवा चल गलिस ना ऊपर। ए भाई जल्दी उतार ना तो फाट जाए कुकर। देख भाई लड़की हंसती है, नीचे उतार नहीं तो इज्जत उतर जाए बाबा। अभी तो इज्जत उतरल बा बाबू, अब देख तोर काका उतरता। झुलुआ झुलाओ तेरे कारे, अरे मुआ दे, अरे गोल पड़ा तेरे झुलाई के। अरे आ गई तो इहा चुलबुल पांडे के कतार, अब तोर जिंदगी हो जाई बेकार। बेटा अब देख जलवा हमार। अरे फाट गई। आज तो रखे छोड़ अपना चंदा। कहाँ के बाली हरे, बहुत बीच में घुसा घुसी करता है। बहुत बेइज्जती कह लेते हमार, छोड़ अब ना तोरा के, बदला तो लेब बाबू, बदला तो लेब। बाय।
बनबू कनिया दिलवा दुलहिन मामा ले लेबा धनिया बनबू कनिया दिलवा दुलहिन मामा ले लेबा दुख चाहे सुख पड़ी रहब तोहर साथ में साथ जन्म लाहकवा धैल रही हाथ में इहे बतिया सुने खाती रहनी बेकरार हो खुशी बात समाइल दिल में पाके तुहार प्यार हो मन जोगे पिया माखिया हमर छाले ले बा डोली लेके आजा डोली लेके आजा दिल बा दुल्हा माले ले बा धनिया कनिया बनबू दिलवा दुलही ना मा काका तोहर चिट्ठी आइल बा लो दा तनिक पढ़ के सुनावा हो हां ए राम के माई काजी सोहन के चिट्ठी आइल बा हो जल्दी आवा आदरणीय बाबूजी प्रणाम और माई के चरण छू के प्रणाम और किशन खातिर ढेर सारा प्यार बाबूजी हम यहाँ एकदम कुशल मंगल से बानी और पढ़ाई भी एकदम ठीक चलता लेकिन बाबूजी पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गइल बा बाबू जी यहाँ लंदनी खर्चा तू तो जनते बाड़ा और परीक्षा के फीस भी भरे के बाटे थोड़ा तकलीफ तो होई लेकिन कैसा हो करके 2,00,000 रुपया के इंतजाम करके भेज दा बाकी सब ठीक बा तुहार आज्ञाकारी बेटा सोहन इलाका का हम चला तानी एक तो पैसा मंगावला से हम परेशान हो गए बानी अरे हर महीना पैसा भेजा तानी तब अब इस महीना 2,00,000 रुपया मंगाता अब कहाँ से लाई हम अतला पैसा हम तो पहलवे कहले रहनी कि मत भेजियो करा के विदेश लेकिन रउआ मन्नी ना ओकरा पढ़ाई के चक्कर में पोस्ट ऑफिस के पैसा खत्म हो गल ट्रैक्टर बिका गल आपका खेत खरियान बेचब हाँ राम के भाई अब ऐसे करे के पड़ी कैसन बात करता नहीं जी राउर दिमाग खराब हो गल बका है खेत खरियान बेचब अरे का जवाब दे पुरखन के त का करी ओकरा पढ़ाई के गढ़ा में डाल दी अब मुड़ी छिलाइए गेल बा तो चुरकी रख के का फायदा गोविंद जी नापी जोखी तो हो गईल अब अपन देख ली अब देखे के का बा बनवारी हाँ काका पैसा अबे मिल जाई तो अच्छा रहित बेटा पैसवा कहाँ भागल जाता हाँ। जमीनिया का रस्सी तो पहले करवा दा ना पैसवा मिल जाए हाँ। चलो चुलबुल हाँ तू तो बड़ा बढ़िया मजा ले रे बनवारी इतना बढ़िया जमीन तोरा तो औने पौने भाव में मिल गई तो खाली देखा तो चुलबुल पड़े एक किसानवा के पूरा परिवार के हाथ में कटोरा थमा के सड़की बना लिया धनी ना त
तो हमरो नाम बनवारी ना। देखा सखी तीनों पतिया नथिया शोभा बढ़ावे सिंगार के और बड़का शोरूम से लिहल हवे तो भा दिहल हवे यार के कॉलेज से? अपने कमरे में होगा। ओके ठीक है, मैं उसको देके आती हूँ। ये क्या कर रही हो मामा? मामा कर क्या रही हो? मामा 2 लाख रुपए लगता है उसके बाप ने भेजे हैं। मामा कर क्या रही हो? मामा तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना सोहन कितने दिनों से पैसों का इंतजार कर रहा है। तुम ये चाहती हो ना कि सोहन अपने गांव वापस ना जाए, यहीं रहे? हाँ चाहती हूँ। तो फिर मैं जो करती हूँ वो चुपचाप करने दो। राम राम पोस्टमास्टर साहब। का हाल बा गोविंद भाई? अब का हाल बताई, यहाँ मर मर के लड़का के खेत बाड़ी बेच के पैसा भेजता नहीं, और ये देखा सोहन चिट्ठी भेज ले बा, ओकरा के पैसे मिलबे ना कइल। गोविंद भाई हम तोरा चिट्ठी के पता लगाओ तनी। तोहरा पता लगावे तक तो लड़का के परीक्षा निकल जाये। हमरे भाग फूटल बा ससुरा। ए बनवारी,
ई बुढ़ऊ खाली 3 बीघा जमीन छोड़ के अपन सब जमीन बेच देहले रे। तो खाली देखत रह, वो 3 बीघा भी हमरा ही पास आई। ए काका, हाँ 3 बीघा काहे रखले बाड़ा, वो दे दो हमरा के। ए बेटा, इहे हाल रही तो एक दिन सब बिका जाई रे। सोहन प्रसाद 2 लाख रुपए, इसके बाप ने फिर पैसे भेजे। एक्सक्यूज मी आंटी, मेरा कोई लेटर आया है क्या? नहीं तो क्या बताओ आंटी, कल फीस भरने की लास्ट डेट है। मैं बाबूजी को लेटर पे लेटर भेज रहा हूँ और बाबूजी पैसे भेजना तो दूर, लेटर्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा जी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसे वैसे भेजेंगे। नहीं आंटी, मुझे लगता है बाबूजी जरूर किसी प्रॉब्लम में होंगे। तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता कि ये दुनिया कितनी मतलबी है। कैसी बात कर रही है आंटी, आप मेरे माँ बाप को नहीं जानती। अच्छा तू एक बात बता दे जी, तेरे माँ बाप तुझे विदेश भेजने के लिए राजी थे? नहीं, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उन्हें ये डर लग रहा होगा कि पता नहीं तू गांव वापस आएगा या नहीं। पहले तो उन्हें सिर्फ डर था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया होगा। फिर वो तुझ पे पैसे क्यों लुटाएंगे? डोंट फॉरगेट माई चाइल्ड, जो पेड़ फल नहीं देता उसमें लोग पानी तक नहीं डालते। डोंट वरी बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगी। तेरे बाप का पैसा आए या ना आए, तू एग्जाम जरूर देगा। ये ले, पी ले बेटा। देख बेटा, वहां शराब के हाथ भी मत लगे है। हमरा ऊपर भरोसा नहीं है कमाई, तले हम तोर कसम खाता नहीं कि शराब के कभी हम हाथ भी ना लगाए। क्या सोच रहा है, ले पी। कहो गिलराम की माई। हमार मन घबराता जी, हम बड़ा खराब सपना देखनी है, हमरा सोहन के बड़ी चिंता होता जी। अरे ये सोच सोच के तो हमरो नींद नहीं खिया आवत रे। पहले तो हर 15 दिन में चिट्ठी आ जात रहे, अब 6 महीना हो गए ओकर एको चिट्ठी के दर्शन नहीं किया। अरे एको दुगो और चिट्ठी भेज के देखी ना। अरे कतरा चिट्ठी लिखी, वो एक को चिट्ठी के जवाब नहीं के देत। राम के भाई, हमरा ता बुझाता कि ओकर लौटे के कहनो इरादा नहीं के रे। कैसे बात करता नी जी, हमार मन कहता ना, हमार सोहन जरूर लौटी है, जरूर लौटी है। तू कुछ भी कहला, हमरा ता इहे बुझाता हमारे एहु लइका हाथ से निकल गई। और कसम को वहां को नमीम साहब से कुजात में बियाह ना कर ले। हम कसम खाता नहीं माई कि कोनो कुजात में बियाह ना करें। माई का हम तनी नेल पॉलिश ले ली, खत्म हो गई बा, जाऊन लेबे के बाद ले ले, बाकी जल्दी आई है, हम सब्जी लेके आवा तानी। ठीक बा? ठीक बा माई। का चाहिए तोहरा के? एगो नेल पॉलिश दे दा, लाल रंग के। हाँ दे तानी। तोहरा का चाहिए? हमरा के चूड़ी दे दा। तू पहरबा? तब के पहरी, हम ना पहरबता। तोहार साइज का बा? ना पले ता नहीं खी, लेकिन 9 इंच होई। हमरा लगे 9 इंच की चूड़ी नहीं खे। ता कौना इंच के बा? 2-6 के 2-8 के मिली। तो 2-8 के दे दो, जोन सबसे बढ़न बा, 2-4-5 गो कलर लेके आवो। ठीक बा। ए
इला तोहर चूड़ी तू पहिरला। मेरी प्यारी चंदा रानी, 3 बजे हम मंदिर में तहार इंतजार करब। अहिया 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 जरूर अहिया। अगर तू ना आइलू तो 3:30 बजे हम तोहरा घरे आ जाए। हे भगवान, और कुछ लफड़ा भइल तो बुझिया। अरे माई, माई का हम तनी मंदिर होके आ जाई। काहे उ काहे ना, हमार परीक्षा शुरू होके वाला बा। इसे ना, तू अकेले मत जा, कल हमरा साथे चलिए। अरे भाऊजी, सोहन भैया के चिट्ठी आई बा। हाँ तो जल्दी पढ़ना। वो कब आवा था, लिख ले होई। आदरणीय बाबूजी प्रणाम। और माई के चरण छुके पड़ा। खुसरा खुसरा सोहन भैया। अरे वो खुसरा है। और किसन के प्यार पढ़। और किसन के प्यार पढ़ पढ़। बाबूजी तोरा जान के खुशी होई कि हम का भइल का भइल। अरे का भइल, एक ही सरवा का रे, बोल ना। बाबूजी सोहन भी है शादी कर ले, और वो एगो बेटी के बाप भी बन गए। पढ़ और आगे पढ़, हम देखल चाहता नहीं क्यों और का करना मकेले बा। तोरा लोग इनके बहुत याद आवता,
और माई के देखे के मन करत। माई के भेज देता तो अपना पोती के देख ली। माई के ही वहां आवे खातिर 80,000 रुपया के ड्राफ्ट भेजता और हमार फोन नंबर नीचे बा। माई के आवे के खबर हमारा के दे दे तो हम माई के लेबे खानी एयरपोर्ट चले। रउआ लोगिन के मझिला बेटा हेलो हु इज स्पीकिंग। अरे अंग्रेज की औलाद हम तो हर बाप बोलता नहीं। अरे बाबूजी प्रणाम। चुप रह। तो हर नौकरी लग गई तो हमारी याद ना आई है। ते ब्याह कर ले ले तो हमारी याद ना आई। अब जब लड़की भइल है तो हमारी याद आ गई। तू एक बात कान खोल के सुन ला। हम तोहरा के ही बतावे खातिर फोन कहनी है कि तू एयरपोर्ट मत आई है। हम तोहार माई के ना भेजब। अरे ये तोहार नहीं है मिसिल बेलवा नहीं खे। वो लंदन बा लंदन। तू वहां अकेले कैसे जाइबू। और मैं क्या करे के बा। अब हवाई जहाज में बैठम अब 12 घंटा में लंदन। अरे तू नहीं को बुझत। अरे पासपोर्ट बनवावे के पड़ी ओकर बाद बस पकड़ के पटना जाए के पड़ी। फिर पटना से रेलगाड़ी पकड़ के मुंबई जाए के पड़ी। तब जाके मुंबई में जहाज मिली बैठे खातिर। हम कुल बुझता नहीं। रवा चाहते नहीं कि हम अपने पोते के मुंह देखी। बड़का के भाई वहां ना जाए देनी। अब मझला के भाई तू नहीं की जाए दे। अरे तू कैसन बात करता रू जैसे हम अपना पोती के दुश्मन बानी। अरे तोरा के कैसे समझाई के पोती के प्रेम के खातिर तोहार मती फिर गई बा। हवा माई मम्मी ये मेरी माँ है। हाँ हाँ ठीक है। आ माई ये हमारे सास हैं। कैसन भूतनी नियर लोग दिया। क्या बोला। कुछ ना। ठीक है आ जाओ। आवा माई आवा। हाय डार्लिंग। हाय सोनी ये मेरी माँ है। ओह हाय माई। ये तो हर बहू है। बहू। हाँ हाँ लड़का से ब्याह कर ले बड़े कारे। अरे नहीं माई। What did she say? Nothing darling nothing. कुछ भी नहीं। Okay darling I'm going for a basketball match. Catch you later. बिल्कुल। और हाँ अपनी मामा को वो रूम दिखा देना please. Bye. Bye. Bye मामा। चला माई तोहरा के तोहर पोती से मिला होता नहीं। माई ये तोहर पोती। अरे वाह। अरे हमार रानी। अरे हमार Don't touch her. सोहन तुम अपनी माँ को समझा दो कि बच्ची को छूने से पहले हाथ तो धो ले। मायू हम समझ गई नहीं बेटा। उतना लामे से आता नहीं हाथ गोड़े में तो दूर माटी लगले होगी फिर इतना सुंदर बच्ची महिला हो जाए। हे बेटा कहाँ हाथ गोड़ धोए के बाद चला हमके बता दा। चला माई हम तोरा के बाथरूम दिखा देता नहीं। ये कुछ कपड़े हैं धो देना। वॉशिंग मशीन चलानी आती है तुम्हें। कौन मशीन। ओफो अब लगता है इस इडियट को मुझे ही सारा काम सिखाना पड़ेगा। हेलो तनिक सोहन से बात करवावा। सोहन तो अभी घर पर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं। हम सोहन के फादर बोला था नहीं। सोहन के माई ना ना सोहन के मम्मी बाड़ी का। वो भी घर पर नहीं है। तुम्हारा बेटा उसे घुमाने ले गया है। अच्छा 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 आप कौन बोला तारू। मैं सोनी की मम्मी बोल रही हूँ। अरे तू हमारा समदिन बोला तारू। कहो कहो। व्हाट समदिन। फोन रखो बाय। हेलो हेलो काट दे इसका। यस चले। एक्सक्यूज मी दैट्स व्हाट। थैंक यू ए बुढ़िया रुक इधर आ। कौन है यार ये पहले तो नहीं देखा इसे। अरे नौकरानी है यार। ओ नौकरानी। हाँ कितने पैसे देते हो इसे। पैसे वैसे कुछ नहीं डालिंग। क्या खाने कपड़े पे है। क्या बात कर रही है यार लंदन में और फ्री की नौकरानी। अरे यार तू तो बड़ी लकी है यार। यार मुझे भी ऐसी नौकरानी दिला दे। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करूंगी मैं। अरे
तू यहाँ क्या कर रही है? उधर जा। हेलो। अरे अरे जल्दी सोहन के माई से बात करावा हो, ढेर दिन हो गए बात कर ले। इधर राम के माई ऐसा आवाज लगाता। राम के माई? अरे तोरा कहाँ हो गए राम के माई? राम के माई, अरे तू बोलत काहे नहीं खू? यू इडियट, फोन करना नहीं आता तो उठाती क्यों है? सारे ड्रिंक्स गिरा दिए, सारे ग्लास तोड़ दिए, जाहिल गंवार कहीं। अब इसे साफ कौन करेगा, तेरा बाप? चल साफ कर इसे। अब हमरा के सब समझ में आ गई कि राम के माई के अकेला काहे बुलावलस। अब हमरा के सब समझ में आ गई। लाखो का 2 लाख रुपया धरा। घरवा के कागज दे आपने? हाँ इला बेटा, घर के कागजात। बेटा तू हमरा के 2 साल के समय दे दा, हम रात दिन मेहनत करके तो हर पाई पाई चुका दे। ठीक, लेकिन एक बात याद रखिया काका, 2 साल में अगर पैसा ना लौटौला ना तो घरवा कब्जिया ले बा। ए चचा ये बतावा, ये घरवा काहे गिरवी रखा तारा? लंदन, लंदन जाए खातिर। लंदन? लंदन काहे जाता रहा? पिछला जन्म में कौनो पाप कैले रहनी, उहे पाप धोवे खातिर जाता नहीं। बाबूजी, तोर माइक कहुआ बाड़ी दे। बाबूजी, बाबूजी, चल हट। कलावती, कहाँ रे सोना? जवान भाई तोरा के अपना कोख से जन्म देलस, वही के घर के नौकरानी बना देले। बाबूजी, तू हमरा के गलत समझता रहा। हम तो तोहर पोती के देखभाल करे खातिर माई के बुलोले रहनी। बाबूजी चुप रह, अब तू हमरा के सिखाइबे। अरे जब तोर माई 3-3 लड़का के जन्म देके अकेला पाल पोस के सियान कैली, अरे कब बुलावली अपना माई के? और ते एगो लड़की पैदा करके गांव से अपन माई के बुला के नौकरानी बना दे। अरे लड़का पाले पोसे के बेवत नहीं के तो पैदा कहा कर ले रे? बाबूजी मर गए ले तोर बाबूजी। चल जा अपन माई के सामान लेके आ। बाबूजी हमार बात तो सुन ली। ए चल तोर सामान कहा बा, चल चल। बाबूजी अपन पोती के तो देख ली। चल हट रे। बाप कौन बेटा और के कर पोती? बेटा होला मूल धन, पोता पोत ब्याज हो, हर मजबूरी सब छूटत बाटे आज हो। एक बेर जे अपना माई बाप के भुलाइबा, धरती त धरती नरक में ना जगह पाइबा। जन्मो जन्म ना
नहीं माफी मिली आपके, जन्म जन्म नहीं माफी मिली आपके, जन भुलाई हो जन भुलाई हो ए भाई माई बाप के, जन भुलाई हो ए भाई माई बाप के। भाऊजी माई ना रहा दे, कोनो जरूरत नहीं है, चल भाग यहां से। ऐसे कहे बोला तेरे बाऊजी? ज्यादा प्यार मत दिखावा बेटा, तोहार लोगिन के नाटक हम अच्छा से जानता नहीं। अरे तोहार लोगिन जैसा नौला से था कुकुर पालल अच्छा बा, अरे कुकुर काटला के तो इलाज बा, लेकिन तोहार लोगिन जैसा नौलाद के काटला के कोनो इलाज नहीं खे। माई बाऊजी ऐसे कहे बोला तरे, इतना तो कबो ना बोला रहे हैं, ये का हो गई बाबा जी के, आखिर हमारे से कौन गलती हो गई बा माई? एमे तो हर कोनो गलती नहीं है बेटा, दरअसल ही दोनों भाई का गुस्सा तोरा पर उतारता रहे, एगो तो पहले ही हमने के छोड़ के चल गल रहे, ऊपर से लंदन में हमार दुर्गति देख के इनकर विश्वास उठ गल बा तू लोग पर से, इनकरा के लागत था कि तू हमने के छोड़ के चल जाएगा। बाऊजी काहो कलावती, देखा था नहीं तू जब से लंदन से आयल बाड़ू तो हर खांसी बढ़ते जाता है। का करे राम के बाऊजी, ढलती उम्र में तो दुनिया भर के बीमारी लागल रहला। कैसन बात करता रु तू, तोरा के शहर के बढ़हन डॉक्टर से दिखाए तो तोहार सब तबियत ठीक हो जाए। एगो बात पूछी जी। हाँ पूछा। पहले तो रउआ हमके राम कमाई कह के बुलावत रहनी, और आजकल हमार नाम लेके बुलावे नी। पहले तोहार औलाद रहले सन, यही से तू केहू के माई रह लू, अब तू केहू के माई ना, तू कलावती हो, हम और कलावती। ननगल कोई डेट है क्या? ऐसे कामों के लिए तो आपके पास कुछ ज्यादा टाइम। मामी मामी मुझे कार्टून चैनल देखना है। मैं तो देखता नहीं है, मैं सीरियल देख रही हूँ, चल भाग यहाँ से। नहीं मुझे तो कार्टून चैनल देखना ही है। कार्टून चैनल देखना है तुझे, तो जाके अपने बाप की शक्ल देख। भिखारी को घर क्या बुला लिया, मालिक के बन बैठा है। भाभी आपको शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे से ऐसी बातें करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को उल्टा सीधा बोलने की? तो इसमें मैंने गलत ही क्या कह दिया? उसकी शादी से पहले औकात क्या थी सारी दुनिया जानती है। जबान संभाल के बात करिए भाभी, आप मेरे पति की बेइज्जती कर रही हैं। बेइज्जती? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और इतना ही इज्जत वाला होता ना इस ऐशो आराम को ठोकर मार देता, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं फलता, समझी? शट अप भाभी। यू शट अप। यू इडियट। हां मम्मी। डॉक्टर साहब गोलू ठीक तो है ना? देखिए गोलू की हालत बहुत गंभीर है, उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप है एबी नेगेटिव, आप लोगों में से किसी का ब्लड है एबी नेगेटिव? नहीं। देखिए दिक्कत यह है कि हमारे हॉस्पिटल में इस ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है, आप कहीं से भी एक बॉटल ब्लड का इंतजाम कीजिए, नहीं तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बाबूजी के खून ए बी नेगेटिव है। बाबूजी, ए बाबूजी, और पोता के कपार फाड़ गिल बा, डॉक्टर कहता खून चढ़ावे के पड़ी, और ए बी नेगेटिव ग्रुप के खून कहीं नहीं मिलत बाबूजी। तो हम का करें? जा जाके अपना ससुर के बोल। ए बाबूजी, राउर ब्लड के ग्रुप भी ए बी नेगेटिव बटे, अपना पोता के जान बचा ली बाबूजी। हमार पोता
अरे वो कब से हमार पोता हो गिल रे? कैसन बात करता नहीं बाबूजी, हमरा और बेटा है तो वो और पोता भइल ना। अच्छा अच्छा, उहे ना जौना के छठियार के नेवता तू हमरा देवे के भुला गिल रहले। ते हमार बेटा होते ना तो तोर माई बाप जियता की मरता ते कर खबर रखते। अरे जा राम बाबू जा, गोविंद प्रसाद आजकल फोकट में काम कइल बंद कर देले बा। बाबूजी हमरा के माफ कर दी, हमार गलती के सजा अपना पोता के मत दी बाबूजी। ऐसन बात बा तो सुन, तोहार बेटा के खून देवे के खातिर हम 10,000 रुपया लेब नगद। रुका, पहले हमार पैसा दा फिर खून चढ़ैया। हमरा पोता के जिंदगी खातिर दुआ कर लो। दुनिया निहारे बगिया में हरियाली के, पर खेला त्याग के हुका है नहीं माली के। ओ, माई बाप के दिल जब तोह से दुखाई, तोहरो भी बेटा एक दिन तोह के रुआई। तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के, तहिया रहिया में चलबा मुँह ढाप के। जन भुलई हो जन भुलई हो ए भाई माई बाप के, जन भुलई हो ए भाई माई बाप के। सोनी सोनी सोनी। यस डार्लिंग। मेरे शेयर डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं यार, मिल नहीं रहे। मामा के ड्रॉअर में होंगे, देख लो। मामा, मामा। क्या है बेटा? मामा ये लेटर साहब के ड्रॉअर में कहां से आए? हाँ, मुझे क्या पता। सच सच बताइए मामा, ये लेटर साहब ने छुपाए थे ना वहां पर? व्हाट नॉनसेंस, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तेरे बाप के लेटर छुपाने की? तो फिर आपको कैसे मालूम कि ये लेटर्स मेरे पिताजी के हैं? आपकी खामोशी साफ बता रही है कि ये लेटर्स आपने जानबूझकर छिपाए थे। ए, मेरे घर में रह के मुझे आंखें दिखा रहा है? मुझे ये फालतू के बकवास सुनने की आदत नहीं है। आप इसे फालतू बकवास कह रही हैं? इन चिट्ठियों से साफ जाहिर है कि कैसे पिताजी मुझे अपनी जमीन जायदाद बेच बेच कर पैसे भेजते रहे, और आप है कि इन चिट्ठियों को मुझ तक पहुँचने ही नहीं दिया ताकि मेरे और मेरे परिवार के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए। आज आपकी वजह से मैंने अपने देवता जैसे माँ बाप को खो दिया, और आप इसे बकवास कह रही हैं? मेरी इस गलती के लिए शायद मेरे माँ बाप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कितनी नीच और गिरी हुई हरकत की है आप लोगों ने। स्टॉप इट मिस्टर सोहन, ये बात भूलो कि तुम मेरी मामा से बात कर रहे हो। अभी हमार जांगर चला था बेटा, तोहरा लोगिन के हमरा कौनो जरूरत नहीं है। चल हट यहाँ से, हट कहली ना। अरे हट के कहा तनी, हट। थे थर कहीं के। अरे तोरा के हल ले आवे के हम कहनी हो करे, चल भाग यहाँ से। तोरा के कतरा बार समझाऊनी समझ में नहीं आवत करे।
तो हट यहां से। रुक, मैं बहिर हो गई बड़े, तोरा सुनात नहीं के कर रहे, चल भाग। अरे माई रे, रुक हट। अरे चल हट रे फंक्शन हरा। अरे चल हट रे। कहीं हमरा के चैन से ना सुते देवे। अरे का करिए कर। का करी रे कर, भाग यहां से। तो हम सीधा से काम करते नहीं तो तू कहे हमरा के ढेला मारता है। हम काम मरनी है। चुप रह भाग चोर हरा। किशन, हम के तरह से जरूरी बात करे के बा। किशन, कुछ दिन से हम देखा तानी तू तो हमरा से दूर दूर भागता रहा। अरे तरह की कुछ मालूम बा, हमरा घर में हमार शादी के तैयारी चलता। तई तू हमसे कहे के बोला तर, जहां तोहर शादी तय भेल बकाला। किशन, तू तू ही बात कह तरह। हाँ हम कहा था नहीं, कैसे कि तुहार और हमार मिलन नहीं हो सकत, ऐसे कि तुहार बाऊजी और हमार बाऊजी जन्म जन्म के दुश्मन हलो, और हम अपने बाऊजी के अच्छी तरह से जानता नहीं, उमर जी हैं, लेकिन तुहार और हमार मिलन कब्बो ना होके दी। किशन, तू हमके समझे के कोशिश काहे नहीं करत, हमरा घर के हालत बहुत खराब बा। राम भैया और सोहन भैया जब से घर छोड़ के गइल बलो, बाऊजी के दिल टूट गइल बा। भले अब दुनिया इधर से उधर हो जाई तो कहा, लेकिन हम अपने बाबूजी के दिल नहीं तोड़ सकत, ऐसे तू हमके भूल जा चंदा। अरे ठीक से चला रे, जल्दी जल्दी चल। का रे जोखना, एकरा घर में कौनो मरमुर गई का रे, इतना सामान लात के जाता। कैसन बात करता रहा, बियाह घर के मरनी घर बनाओ तारा। बियाह केकर बियाह रे? तोहरा मालूम नहीं खे ना, ओकर बेटी चंदा के बियाह है। कहा चंदा के बियाह? आ लगी काका। अरे खुश रहा बबुआ, एने कैसे? अरे बस वो रामेश्वर बाड़े के 2,00,000 रुपया दबे के रहा तो अपन पैसवा मांगे आ गए नहीं तोरा से। हम तो तोरा से कहले रहने ना कि 2 साल में चुका देव कह के, लेकिन पैसा का जरूरत अभी बा न काका। लेकिन अभी तो हमारा लगे पैसा नहीं है बाबू। तो कौनो बात ना, अरे मकान खाली कर डालो, मकान बेच के हम अपन पैसा ले ले। बरवारी, हमरा पर भरोसा रखा, हम थोड़ा थोड़ा करके तोहार पाई पाई चुका दे। कहा से चुकाई बा काका, हैं? तोहार दोनों बड़का बेटा तोहार मुहे पे थूक के चल गए सन। अब वो पैसा दिए ना, है? अब रहल बात छोटका की, किसनवा की, वो तो ससुरा एक नंबर के निकम्मा बा, कहा से दी? ए, चुप रह लो, हमार किसन निकम्मा नहीं के, देख लिया
एक दिन वो अपन खून पसीना करके अपने बाप का कर्जा जरूर चुकाई। चुप रहा है काकी तू तय। हे काका पैसा दे दे हमार सीधे सीधे, नहीं तो मकान जबरदस्ती खाली करवा ले। अरे ऐसे कैसे खाली करवा ले बाप का राजा का? अरे बुढ़िया तू बीच में मत बोल। परिवार तुहार हिम्मत बांध कर रखे। अरे गाड़ी में बांधा, गाड़ी में बांध कर रखे। छोड़ा हम रखे। अब पता चली बनवारी के थप्पड़ मरले का अंजाम। अरे चला के चल चुलबुल। अरे छोड़ो हम रखे। किसन के बाबूजी चोर चोर के रखे। चोर 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 हम रखे। चोर चोर चोर। अरे चला रखे किसन के बाबूजी। चोर जो बचा ले। अरे छोड़ो हम रखे रे किसन के बाबूजी। बाबूजी अरे कुछ ना होई बाबूजी। अब तू लोग ना, अब हम आए तोहनी के पास। Ah!
कहा भाई चंगा बेटी लगता जहर खा ले बिया जहर बेटी किसन भी इलाज चला था तोहार बेटा किसन बा इलाज चला था सारा गांव में हल्ला हो गई बारे कि किसन तोहरा बेटी के चक्कर चला था इस सुन के सारा बाराती भाग गेलन सन आर चंदा के बाऊजी चंदा के होश आ गइल बा अच्छा? हां भट किशन अरे हेने उन्हें कहा देखा तरु सूजा बेटी सूजा अरे सूजा ना अरे तोरा बुझात नहीं के कहा सूजा अरे सूजा ना सब ठीक हो जाए सुनिए ये दवाइयां ले आइए अरे सूजा ना धीरज धर इजी किसन के होश आ गए अच्छा हाँ चल हे भगवान बेटा ज्यादा उछल कूद मत कर बेटा सुत जा आराम कर बेटा सुत हाँ। जा अरे सुधत काहे नहीं खेरे अरे रुवा काहे डटता नहीं हमरा लड़का के अरे डाटी ना तो का करी देखत नहीं खू एक तो चोट लागल बा और ऊपर से लड़की देखा था पेट में लागल बा आंख में थोड़ी लागल बा अरे आंख बंद कर दोनों आंख बंद कर आंख खोल बेटा दोनों आंख खोल का करता नहीं रुवा इतना सुंदर लड़की बिया जात बिरादरी का बिया देखी ना तो का करी अरे तै का सुनत रे त का करी हमरा लग बात होता तो सुत अरे तू भी सुता अरे सुता तू सोचत होग बा जवान आदमी कभू तोहर दुकान तरफ झांके खाते ना आइल वो आज कैसे आ गेल
जाना तारा ए दुनिया में हमार एक एक औलाद बा, हमार किसान वो हमार खुशी खातिर अपना सब सुख त्याग देलस और साबित कर देलस कि उहे हमार सच्चा औलाद बा। अब हमार बारी बा, अब हमरा के साबित करे के बा कि हम ओकर बाप हई। ललन भाई, हम अपना बेटा खातिर तोहर बेटी के हाथ मांगे आयल बानी। अब तू चाहे हमार बेइज्जती करा पर ई रिश्ता मत ठुकरावा। चंदा के भाई, हे चंदा के भाई, अरे हमार समधी आयल बाड़े, अरे पानी आनी ले आवा। अब ये समधी से गले मिला तानी तब भी आमे का करब। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तरुणहरी वक्रतुण्डमाकाय गुरुकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अपना बाप की जिंदगी भर का कमाई तो ले लेला, अब का ले आयल बड़ा लोग। ये घर का सुख शांति और मान मर्यादा कुल तो पहलवे बेच के खा गई बड़ा लोग, अब का बेचे आयल बड़ा। कहीं तू लोग हमनी पर तरस खा के तो नहीं ना आयल? तो एक बात कान खोल के सुन ला, हम अपना छोट सा परिवार में बहुत खुश बानी। यू हो सकता कि तू लोग अपना गलती पर पछता के ये घर में वापस रहे खातिर आए लोकबा, फिर से झगड़ा करे खातिर आए लोकबा, अपना बाबूजी के दुख देके फिर से ये घर से वापस जाए खातिर आए लोकबा। तो जा, जो ने गाड़ी में बैठ के आए बड़ा लोग जा, वही गाड़ी में बैठ के यहाँ से चल जा। दीदी, रहुआ लोग अंदर चली ना, हम हाथ जोड़े तानी चली ना। शायद रहुआ लोग माजी के बात से डरा तानी, माजी रहुआ लोग से नाराज नहीं की, अरे वो तो अपना बेटा लोग से नाराज बानी। उहां लोग के अंदर आवे से मना कैले बानी, रउआ लोग के ना, अरे रउआ लोग तो ये घर के बहु बानी, रउआ लोग के पूरा अधिकार बा ये घर पर। रउआ लोग के रोक सकता ये घर में अंदर आवे से? चली ना दीदी, आई ना, चली लोग दी हमरा के। ए बेटा आवा, आवा हमरा लगे, आवा बेटा आवा, चली ना दीदी आई। का तोरा लोग इनके हाथ गोड़ जोड़ी तबे भीतर जाइबा। बाबूजी, हमने के माफ कर दी, माफ कर दी बाबूजी, हमने के माफ कर दी बाबूजी, हमने के एहसास हो गए कि माँ बाप के चरण में ही दुनिया के हर धाम और स्वर्ग बा। हाँ बाबूजी, हमने के बुझा गए कि अपना परिवार से बढ़ के दुनिया में कौनो सुख ना होला बाबूजी, हमने के माफ कर दी बाबूजी, माफ कर दी। अरे किशन के माई, पूजा पाठ के तैयारी करा, हम लेकिन खातिर पढ़ा कर लेके आवा तनी।